हाय एवरीवन, दिस इज भरत और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत ट्रेडर्स ट्रस्टेड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे होगा क्या कि हमारे वीडियोस के अपडेट जब भी आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ दोस्तों, जैसा कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर इंडियन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में उन सभी सेक्शन को हम लोग लेते हैं, यानी उस पर डिस्कशन करते हैं जिस पे एक अच्छा प्रॉफिट हम लोग जो है इन फ्यूचर में निकाल सकते हैं। तो आज का जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं या आज का जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो रिलायंस के बारे में है। रिलायंस पे जो है अभी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसको उस पर इन्वेस्ट करने का, या उसमें हम लोग ये कहें कि कुछ उसके शेयर बाई करने का। उसका आज हम लोग पूरी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो में पूरा पूरे बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करिएगा, ठीक है? पूरे उसको देखिए। आज हम लोग उसका फंडामेंटल भी उसका जानेंगे। आज कुछ नए अपडेट्स भी आए हुए हैं जियो के लिए कि जियो में कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्लस उसका टेक्निकल एनालिसिस भी हम लोग देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और मार्केट कहाँ तक जा सकती है, ठीक है? तो चलिए देखिए, अभी ये देखिए एक सेक्शन हमने आपके लिए निकाला हुआ है। ये देखिए, ये एक लिंक है इस न्यूज़ का, इस जो हमारा लिंक है ये जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, इसका मैं जो यूआरएल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी क्या है, ये है आपका gulfnews.com, यहाँ का है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सऊदी अरबिया वेल्थ फंड टू पिकअप स्टेक इन इंडिया जियोस फॉर 1.5 बिलियन, ठीक है? तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये पब्लिश्ड कब हुआ है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो आर्टिकल पब्लिश्ड हुई है वो जून 15, यानी कि जस्ट रिसेंटली कल की है, ठीक है? और इसके जो एडिटर हैं आप देख रहे हैं, मनोज नेर हैं, बिजनेस एडिटर हैं, ठीक है? तो अब ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में ऐसा बोला जा रहा है या ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये आपका जो गल्फ साइड से है, सऊदी जो सऊदी अरबिया है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है जियो में 1.5 बिलियन, यानी कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है जियो में इन्वेस्ट करने के लिए। आप जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि मीटिंग्स वगैरह चल रही थी कुछ टाइम से, हम लोग न्यूज़पेपर में भी देख रहे थे और उस पर न्यूज़ में भी आ रहा था। तो अभी ये जो है काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हुई हैं। ये इसका था फंडामेंटल जो हम लोग देख पा रहे थे कि कंटिन्यू अगर देखें तो जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि डिजिटली इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले एयरटेल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट आया है, बट जियो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है? तो इसको अभी हम लोग इसके अगर प्राइस की हम लोग बात करते हैं तो अभी प्राइस के लिए हम लोग अभी लाइव चार्ट पे जाएंगे और इसका जो है हम लोग टेक्निकल एनालिसिस हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों चलिए देखते हैं। अभी हम लोग अभी इस टाइम पे करंटली हम लोग ट्रेडिंग व्यू में हैं, ठीक है? तो हम लोग को एक आइडिया ज़रूर लग गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए जिस तरह से अगर हम लोग टेक्निकल की केवल बात करते हैं, ठीक है, मैं अगर आपसे केवल और केवल टेक्निकल की बात करूँ तो जियो को इस लेवल से डाउन आना चाहिए था, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ उसका सारा रीज़न, मैं आपको बिल्कुल सब चीज़ लॉजिक के साथ में बताऊँगा। अभी आप देखिए, जियो जो है आप इस लेवल को लीजिए, ठीक है? इस लेवल देखिए, ये आप नीचे आप यहाँ पर डेट देखिए, 26 नवंबर 2019, ठीक है? ये आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है 2 नवंबर 2019, उसके बाद में मार्केट ने एक और हाई यहाँ पे दिया है, वो इसने हाई दिया है अपने को 19 दिसंबर 2019, ठीक है? इसका थर्ड हाई जो मार्केट ने दिया है वो दिया है 20 जैन 2020, ठीक है? ये तीन हाई देने के बाद, ठीक है, ये तीन हाई देने के बाद में मार्केट ने जो है उसके बाद में नीचे का रुख किया है, ठीक है? मैं आपको पूरा अच्छे से इसको लेके चलता हूँ, समझाता हूँ इसको, पहले इसको इसका पहले लाइफ साइकिल समझना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे बोल दूंगा तो वो फिर बात नहीं समझ में आती अच्छे से। तो इसका पूरा लाइफ साइकिल समझिए, ठीक है, कि मार्केट कैसे ट्रीट कैसे कर रहा है, मार्केट में रिएक्ट कैसे कर रहा है, ठीक है, रिएक्शन ले कैसे रहा है। तो अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो को पूरा देखिए और देखें कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से बेहतरीन तरीके से करी जाती है, पूरा लॉजिक वॉजिक के साथ में सब चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है? तो अभी देखिए, अभी जैसे कि हम लोग ये देख पा रहे थे, ये हमने आपको तीन लेवल्स अभी दिखाए आपको, ठीक है, ये रिलायंस के तीन लेवल हमने आपको दिखाए अभी
जहाँ पे मार्केट ने ये तीन हाई बना के रखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये मार्केट ने तीन हाई बनाया था, इसके डेट जो था वो हमने बताया, यहाँ पे मार्केट ने गैप अप दे के रखा हुआ था, उसके बाद मार्केट ने फिर यहाँ पे कई कई बार रुकी है, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद मार्केट ने ये लेवल को तोड़ा है, ठीक है। तो ये जो लेवल था, ये जो टाइम है, ये मार्केट ने रेंज करी थी, मार्केट जो है उस टाइम पे रेंज चल रहा था मार्केट, ठीक है। अब जैसे ही रेंज टूटा है, आप देखो ये रेंज टूटा, रेंज टूटने के बाद में मार्केट क्या करी है, मार्केट नीचे आया है, नीचे आने के बाद में मार्केट ने फिर उसी रेंज एरिया को रीटेस्ट किया, ठीक इसी सेम लेवल को इसने रीटेस्ट किया, ठीक है। अब ये इसका रेजिस्टेंस बन गया है, रेजिस्टेंस बनने के बाद में अभी देखिए मार्केट जो है नीचे आ गई और काफ़ी हद तक नीचे आई है, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने फिर से उठना शुरू कर दिया, ठीक है। ये मार्केट जब से उठ रही है तब से उसके बाद में फिर से इसे नीचे आई है। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो आप लेवल आप देख पा रहे हैं, देखिए ये जो मार्केट अभी नीचे से ऊपर आई है, ये देखिए ये जो मार्केट नीचे से जो ऊपर आई है, ये देखिए ये जो मार्केट नीचे से ऊपर आई है, इसको यहाँ पर इस लेवल के पास में आने के बाद में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है ये, है ना। तो मार्केट जब इसको फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया है, टच करने के बाद में मार्केट ये यहाँ तक आई है, इस लेवल तक आया है, ठीक है। अगर असलियत देखा जाए दोस्तों कि मार्केट कहाँ तक आना चाहिए था, जो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस से जो है वो मार्केट को इस लेवल तक आना चाहिए था, ठीक है। यानी कि 1120 पॉइंट के पास में आना चाहिए था, लेकिन मार्केट जो है हमारा 1120 पॉइंट के पास में नहीं आया है, ठीक है। मार्केट हमारा जो है थोड़ा सा डाउन आया है, ये मार्केट हमारा 1400 के पास में आया है मार्केट, और उसके बाद में यहाँ से ही इसने रिटर्न कर लिया। इसका मतलब क्या है, मार्केट क्या कहना चाहता है हमसे? मार्केट ये कहना चाहता है कि मार्केट सेल नहीं जाना है, मार्केट जो है सेल नहीं जाएगा, मार्केट के पास में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बाय जाने के लिए, ठीक है। तो अब मार्केट अगर बाय जाना चाहता है तो मार्केट कितना बाय जा सकता है या कितना जाना चाहिए, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कशन करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि मार्केट को यहाँ से डाउन आना चाहिए होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये लेवल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल था, ठीक है। मार्केट ने इस लेवल को कई बार रिस्पेक्ट दिया था, प्लस यहाँ पर रेंज मार्केट भी था, तो रेंज मार्केट की वजह से इसको जो है यहाँ तक का ये आना चाहिए था, बट मार्केट ने नहीं आया। मार्केट नहीं आती है तो उस केस में मार्केट क्या करती है कि मार्केट जो है एक अपना लेवल बनाती है, अपने पिछले पिछले कोई भी उसका सपोर्ट होता है वहाँ पे वो एक लेवल बनाती है और वहीं से मार्केट वो ऊपर उठ जाती है, ठीक है। ये देखिए, ये मार्केट ने लेवल बनाया हुआ था, ये लेवल आप जो देख पा रहे हैं, और यहाँ से मार्केट ऊपर उठ गया। अब बात ये आती है कि भाई मार्केट क्या कर सकती है, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा एक बार, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो लेवल था, ये लेवल, ठीक है, ये लेवल आप ये देखो, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, ठीक है, इसको डेली कैंडल पे ब्रेक करा है, ठीक है। ये लेवल था मार्केट का, मार्केट ने जो है इसको ब्रेक करा है इस दिन, ठीक है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए, ये इसको यहाँ पे इसने ये पहला कैंडल तो फेक कैंडल दिया, उसके बाद में दूसरे पे ऊपर में गया, ये भी नीचे आया, ठीक है। बट अभी जो है रिसेंटली, अगर हम लोग कल की बात करें तो कल ये देखिए मार्केट ने इसका जो लेवल है ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। आज के जो कैंडल है ये देखिए, एक्सपेक्टेशन है कि ये ऊपर में इसकी क्लोज हो जाएगा, यानी कि जो पिछला मार्केट ने, यानी कल का जो मार्केट ने हाई दे के रखा हुआ था, ये आप जो देख पा रहे हैं मार्केट का कल का हाई है, ठीक है, ये मार्केट का कल का हाई है, ये मेरा जो मैं सोच पा रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड है कि इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देता है, ठीक है, तो मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाली है। और इसका हम लोगों ने फंडामेंटल भी अभी देखा कि मार्केट में जो है एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट आ रहा है रिलायंस के लिए, तो वहाँ से भी एक हमारा फंडामेंटल से भी हम लोग देखेंगे तो मार्केट जो है बाई के लिए एक सेटअप बना रहा है पूरा, और अगर टेक्निकली भी हम लोग देखें तो मार्केट जो है बाई के लिए बना रहा है सेटअप अपना। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ से देखिए इसको हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये देखिए मार्केट ने जो है किस तरह से रिएक्ट किया था। ये देखिए मार्केट ने जो है ये वाली ट्रेंड लाइन तोड़ी है, और तोड़ने के बाद में फिर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद की ये जो कैंडल है, ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये देखिए कैंडल कितनी ज़बरदस्त बनाई है मार्केट ने, ये वाली, ये देखिए,
ठीक है, उसके बाद में इसको फिर डबल कन्फर्मेशन भी किया। तो ये मार्केट जो है आप समझ के चलिए कि रेडी है काफ़ी ज़्यादा हाई बनाने के लिए। 85% इसके चांसेस है कि भाई मार्केट जाएगा, 85 भी मैं बोलूँगा कि कम है, 95% चांसेस है कि मार्केट इसके ज़्यादा बनाएगा। हम लोग बात करते हैं इसके लेवल का कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो मैं जो है ये अभी फिर से सब चीज़ें अभी हटा देता हूँ, एक बार थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, फिर बताता हूँ कि मार्केट का जो है नेक्स्ट लेवल वो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने जस्ट अभी बात कर लिया कि मार्केट ने हमारी जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर दिया, इसको अच्छे से कन्फर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग D1 पे हैं, तो अब आप ये देखिए मार्केट का हम लोग नेक्स्ट टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं। जो सर टारगेट निकालने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल केवल ट्रेंड लाइन से ही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमने एक ट्रेंड लाइन लगा दिया है और ये आपके दूसरी ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हम लोग का नेक्स्ट मार्केट है वो हम लोग का उसका टारगेट कम से कम लेके जाने वाला है। इस लेवल यानी कि 1850, यानी 1800 से लेकर 1850 तक का ये मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि और भी अपडेट्स मैं लेकर आता रहता हूँ। सभी जो बताया मैंने आपके, इसकी क्रिप्टो का हो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट का हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट का हो, तो सब पे जो अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए मैं जो है यहाँ पे वीडियो से लेकर आता रहता हूँ, एक एज ए एजुकेशन वीडियोस। ठीक है, तो आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और इसमें जो है आप यहाँ से पैसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।